सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का कालावाली में और आज कांग्रेस के प्रत्याशी शिशपाल कहरवाला है वो रोड शो निकाल रहे हैं और आज नामांकन दाखिल भी करने जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हैं वो बड़ागुड़ा की दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो लोग हैं फूल मालाएँ लेकर के शिशपाल कहरवाला का है उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। तमाम जो लोग हैं आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और शिशपाल कहरवाला है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और आज बड़ा रोड शो निकाल रहे हैं। सुबह सिकंदरपुर गांव से शुरू होकर के ये रोड शो फरवाई और दड़बी से होता हुआ बप्पा जीड़ी सहित तमाम गांव में पहुँचा और उसके बाद अब थिराज झोड़रोई बीरवाड़ा गुड़ा और बड़ा गुड़ा में आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और चूँकि यहाँ से फिर कालावाली की ओर जो है वो बढ़ेगा और कालावाली में जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से शिशपाल कहरवाला है उनका जो स्वागत है वो लोग कर रहे हैं। बड़ागुड़ा गांव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ागुड़ा में जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं और आज बड़ा रोड शो है वो शिशपाल कहरवाला निकाल रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और शिशपाल कहरवाला है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कालावाली विधानसभा क्षेत्र से और क्योंकि 2019 में यहां से राजेंद्र सिंह देसूजा को चुनाव हरा करके विधानसभा में पहुंचे थे और फिर से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार भी यहां पर बीजेपी ने राजेंद्र सिंह देसूजा है उनको चुनावी मैदान में उतारा है और मुकाबला है वो बेहद रोचक है क्योंकि ये रोड़ी विधानसभा क्षेत्र था पुराना जिसको कालावाली में जो है समायोजित किया गया। हमारे साथ इस वक्त शिशपाल कहरवाला है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा प्रचार? बहुत शानदार, लोगों का उत्साह प्यार आशीर्वाद पूरा मिल रहा है और एक तरफा चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी। आज कितने गांव में रखा गया है रोड शो? आज कम से कम 20 गाँव के अंदर से निकलेगा रोड शो और आज फिर 2:30 बजे हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, इस क्षेत्र में आप विधायक रहे 5 साल और फिर से कांग्रेस पार्टी ने वो आपको मौका दिया है, इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का इस पर धन्यवाद है, हाईकमान का धन्यवाद है और जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है उस पर हम खड़े उतरेंगे और ये चुनाव सिर्फ शिशपाल नहीं लड़ रहा, इस क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और चूँकि शिशपाल कहरवाला है वो आज नामांकन है वो दाखिल कर रहे हैं और बड़े रोड शो के साथ जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है वो शिशपाल कहरवाला के इस रोड शो में आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि काफ़ी संख्या में जो लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।